सन 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू तपेदिक की लंबी बीमारी के बाद चल बसी। इसके बाद नेहरू के कई महिलाओं के साथ काफी मधुर संबंध रहे, जैसे सन्यासन श्रद्धा माता, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू और लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन। मगर जवाहरलाल नेहरू का शायद एक और अफेयर अतीत के धुंधले पन्नों में लगभग खो ही चुका है, जिसकी आज शायद ही मीडिया के किसी कोने में चर्चा होती है, या फिर नेहरू के प्रखर आलोचक जिसका उल्लेख कर नेहरू के चरित्र को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। वो प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल थीं, जिनके साथ सन 1937 से नेहरू के काफी मधुर संबंध बन गए, जब कमला नेहरू के देहावसान को बमुश्किल एक साल ही हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म सन 1913 में बुडापेस्ट में हुआ। उनके पिता एक मजीठिया सिख थे और माँ हंगेरियन यहूदी। आर्थिक समस्याओं के कारण अमृता शेरगिल के परिवार को बुडापेस्ट से भारत में शिमला में आकर रहना पड़ा। अमृता बचपन से ही प्रतिभाशाली और विद्रोही स्वभाव की थी। उन्होंने 5 साल की उम्र से ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया, मगर कॉन्वेंट स्कूल से उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने आप को नास्तिक कहना शुरू कर दिया था। समय के साथ साथ अमृता शेरगिल एक चित्रकार के रूप में काफी माहिर होती चली गई और मात्र 19 साल की उम्र में ही वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात चित्रकार बन गई। उन्होंने अपनी पेंटिंग से ग्रामीण भारत और भारत के लोगों की छवि को अपनी ही अनूठी शैली में कैनवास में बड़ी खूबसूरती से उकेरा। ऐसा कहा जाता है कि भारत में मॉडर्न आर्ट की नींव रखने में अमृता शेरगिल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मगर अमृता शेरगिल की जिंदगी बहुत छोटी रही, मगर इस छोटे से जीवन में भी उन्होंने कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के साथ अपनी बेबाकी और आजाद ख्यालों से भी एक गहरी छाप छोड़ी। अमृता के ढेरों अफेयर हुए और 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने कजिन विक्टर एगन से शादी भी कर ली। मगर जब अमृता 24 साल की ही थी, तब सन 1937 में दिल्ली में उनकी खुद की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी में उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। नेहरू उनकी खूबसूरती और ख्यालातों से काफी प्रभावित हुए। वहीं भारत के एक अग्रणी नेता के रूप में नेहरू ने भी अमृता शेरगिल को काफी प्रभावित किया। जब अमृता से उनके एक मित्र ने यह पूछा कि उन्होंने नेहरू जी की पेंटिंग क्यों नहीं बनाई, तो अमृता ने कहा कि वो इतने शानदार दिखते हैं कि उनके लिए नेहरू की पेंटिंग बना पाना मुमकिन ही नहीं था। इसके बाद नेहरू और अमृता शेरगिल के बीच पत्राचार का सिलसिला शुरू हो गया, जो 1941 में अमृता की असमय मृत्यु के महज 4 महीने पहले तक चलता रहा। सन 1940 में गोरखपुर के पास सराया गाँव में नेहरू और अमृता की आखिरी मुलाकात हुई थी। नेहरू के मन में अमृता शेरगिल के प्रति क्या भावनाएं थी और दोनों के बीच में क्या बातें होती थी, ये तो अब जान पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमृता और विक्टर की शादी के ठीक पहले अमृता के माता पिता ने नेहरू के द्वारा दिए अमृता को लिखे सारे खत जला दिए थे। आखिर पंडित नेहरू की उन चिट्ठियों में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से अमृता के माता पिता ने उन्हें जला देना ही मुनासिब समझा। वैसे इस पर अमृता ने सख्त नाराजगी जताई थी और अपने पिता को लिखा था कि अब मुझे खुद को यह समझा लेना होगा कि बेरंग बुढ़ापे में मुझे पुराने प्रेम पत्रों का मनोरंजन मुनासिब नहीं हो पाएगा। दुर्भाग्य से 1941 में दिसंबर महीने की शुरुआत में ही लाहौर में अचानक ही अमृता की तबीयत बिगड़ी और 4 दिन बाद ही अमृता शेरगिल इस दुनिया से चल बसी। उनकी असमय मृत्यु से दुनिया ने एक ऐसे कलाकार को बहुत ही कम समय में खो दिया जिसने अपने हुनर की ऊंचाई के मुकाम को बस छुआ ही था। इसके साथ ही पंडित नेहरू और अमृता शेरगिल के नजदीकी रिश्तों में जो नए आयाम जुड़ सकते थे वो भी अधूरे रह गए। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।